सा हर बरकतों भरे इफ्तार। Council, we will continue the march and we will start working on a draft resolution to make sure that Rafah will not be invaded. विनय दुबे और दुबई की राजकुमारी ने फिलिस्तीन के लिए उठाई आवाज। फिलिस्तीन के राजदूत ने इसराइल को दी चेतावनी। फिलिस्तीन पिछले 6 महीनों से इसराइल की बमबारी का सामना कर रहा है। इसराइल ने मासूम बच्चों, बूढ़ों, नौजवान और औरतों सहित अभी तक 32,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मुसलमानों को मार दिया है। इसराइल छोटे बच्चों को भी टारगेट कर रहा है। इतना ही नहीं, इसराइल ने फिलिस्तीनी मुसलमानों का खाना पानी और मेडिकल इमदाद पर भी रोक लगा रखी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इतिहास में इसराइल मासूमों का बेरहम हत्यारा के रूप में जाना जाएगा। इंसानियत को शर्मसार करने वाला इसराइल सभी हदें पार कर रहा है। ऐसे में फिलिस्तीन के राजदूत ने इसराइल के लिए बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। हालांकि यूएन में इस बात को लेकर प्रस्ताव पास हो गया है कि गाजा में फौरन सीज फायर को लागू किया जाना चाहिए, लेकिन खबरों के मुताबिक इसराइल लगातार कानून की धज्जियां उड़ा रहा है और फिलिस्तीनियों पर हमले कर रहा है। फिलिस्तीन के राजदूत ने इसराइल को चेतावनी देते हुए जो कहा है, उससे पहले आपको बता दें, भारत के मशहूर एक्टिविस्ट विनय दुबे ने भी फिलिस्तीनी मुसलमानों के लिए आवाज उठाई है। विनय दुबे ने जो कहा है, उसने तमाम आलम इस्लाम की आंखें खोल दी है। खासतौर से जो लोग रमजान में दस्तरखान पर सजे इफ्तार की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। दरअसल विनय दुबे ने कुछ तस्वीरें पोस्ट की है जिसमें देखा जा सकता है कि मुंबई में किसी जगह रोजा इफ्तार के लिए पूरी टेबल सजा दी गई है। दुनिया भर के खानों से सजाई गई इस टेबल का वीडियो भी बनाया गया है और उसकी नुमाइश भी की गई है। वहीं एक तरफ फिलिस्तीन में बच्चे पानी के लिए तरस रहे हैं। विनय दुबे ने इस पर लोगों से रिक्वेस्ट करते हुए लिखा, एक तरफ फिलिस्तीन में मुसलमान रोज भूख से मर रहे हैं और यहां भारत में इफ्तार के नाम पर जश्न मनाया जा रहा है। लाजवाब इफ्तार करो भाई, पर ऐसे सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर फिलिस्तीन लोगों की लाशों की तौहीन मत करो। दोस्तों, विनय दुबे की इस पोस्ट पर कई लोगों ने उनकी तारीफ की है और सहमति जताते हुए लिखा, बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि खाना नहाना और पखाना पर्दे में ही करो, इसकी नुमाइश नहीं करनी चाहिए। आप सही कह रहे हैं, कुछ बेवकूफ लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। इफ्तार हो या भंडारा हो, खाने की भोजन की फोटो वीडियो नहीं डालना चाहिए। और दूसरी बात, यदि किसी गरीब निर्धन की आर्थिक सहायता मदद की जाए तो उसकी फोटो वीडियो भी नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा भाई, सिर्फ इतना ही नहीं, इफ्तार के नाम पर जश्न मनाते हुए वीडियो डालना गलत बात है, ये सबको समझना चाहिए। लेकिन आजकल ये फैशन सा हो गया है, लोगों को ऐसे करने से बचना चाहिए। एक और यूजर ने लिखा, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को जो अपने दस्तरखान की नुमाइश कर रहे हैं। कम से कम उन लोगों के बारे में सोचो जिनके पास पीने को पानी तक नहीं। आपको बता दें, दुबई की राजकुमारी ने भी फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाई है। उन्होंने फिलिस्तीन के राजदूत रियाद मंसूर का वो बयान शेयर किया है जिसमें उन्होंने इसराइल को चेतावनी देते हुए कहा कि 6 महीने की लगातार कोशिश के बाद यूएन ने हमारे प्रस्ताव को मंजूर किया है जिसमें हमने तुरंत जंग को रोकने की अपील की थी। यूएन ने गाजा में जंग को फौरन रोकने का हुक्म दिया है। अगर अब भी इसराइल यूएन का हुक्म नहीं मानता है तो ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जिम्मेदारी है कि वो इंटरनेशनल लॉ के तहत जरूरी कदम उठाए। हम किसी भी हालत में इसराइल को रफा पर कब्जा नहीं करने देंगे। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। साथ ही हर तरह की खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।